वेल हेलो देयर, इस वीडियो में बात कर लेते हैं स्पार्क की एज इन सन फार्मा एडवांस रिसर्च कंपनी। तो क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वनडे टीएफ का ये चार्ट है और आप देख रहे होगे वनडे टीएफ में स्टॉक एक रेंज बाउंड है और यहाँ पे आप देखोगे ऊपर पहले भी इसके एनालिसिस करे थे मैंने, ये तभी के आएंगे, एक पैटर्न बनाते हुए जा रहा है बट स्लगिस मोमेंटम है क्योंकि वनडे टीएफ का ये चार्ट है। और उसमें भी अब आप नोटिस कर रहे होगे वनडे टीएफ में साथ ही में कि यहाँ पे स्टॉक ने दो रेंज बना ली है छोटी वाली। पहला इसका जो टारगेट जा रहा है वो 264 के ऊपर नहीं निकल पा रहा है और नीचे ये जा नहीं रहा है 221 के, 220 का लेवल ब्रेक नहीं कर रहा है फिलहाल के लिए। तो अगर ये ऐसा कुछ हैगा तो फिर ये बेहतर रहेगा कि स्टॉक बुलिश मोमेंटम ही पकड़ेगा यहाँ से। और कुछ आप देखोगे ये ट्रेंड लाइन अगर मैं मार्क कर देता हूँ तो अब आपको बेहतर समझ आ गया होगा कि स्टॉक क्यों नीचे नहीं जा रहा है। अब आप देख रहे होगे कि स्टॉक में ये ट्रेंड लाइन बहुत काम कर रही है और जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हो रही है तब तक आप ऊपर के ही रिटर्न्स मान के रखिएगा, क्योंकि फिर स्टॉक धीरे धीरे आप देखोगे जब भी नीचे आएगा तो ट्रेंड लाइन पे हेड देके फिर से बाउंस बैक होगा। ऊपर आप देखोगे ये लेवल इनके सेलर्स का एरिया है और सेलर्स का एरिया क्यों ना हो, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पर सेलिंग देखने को मिली है इसी एग्जैक्ट इसी लेवल से, फॉल आया था इस लेवल से और यहीं से फिर आप देखोगे नीचे सपोर्ट लिया 220 के आसपास, फिर ऊपर गया और फिर आपने 265 पे इस स्टॉक को पकड़ा अगर शॉर्ट करने के लिए तो ये नीचे आया होगा। ये ऐसा मोमेंटम है इसका, कुछ नहीं है इसमें समझने के लिए एक्स्ट्रा, बस अगर आपने इतना सा मोमेंटम पकड़ लिया इसका कि कैसा जा रहा है इसका तो आप इतना ही में आप ऊपर के लेवल्स क्लियर हो जाएंगे आपको। अब अगर स्टॉक सही चलता है और कल अगर एक बुलिश मोमेंटम फिर से दिखाता है तो जो टारगेट होंगे आपके वो 260 यहाँ तक मान सकते हैं 260 के, और जो लेवल होगा ब्रेकआउट का वो 246 के होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे ये हर्डल फेस करने वाला है स्टॉक को। क्यों करेगा, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल लेवल है 248 250, इसीलिए यहाँ पे हर्डल ज़्यादा फेस होगा। 250 का लेवल ब्रेक होगा तो फिर 264 के टारगेट रहेंगे और जैसे इस रेंज में फिर से पहुँचेगा 260 की तो फिर से आप देखोगे यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा स्टॉक में। ये सेलर्स का एरिया है और एग्जैक्टली पहले भी यहाँ सेलिंग देखने को मिली है यहाँ से, तो आप देखोगे स्टॉक में बुलिश मोमेंटम अभी काफ़ी आने को बाकी है क्योंकि स्टॉक काफ़ी डिस्काउंट पे है। अगर आप नोटिस करोगे स्टॉक को अच्छे से तो आप देखो स्टॉक बहुत ऊपर था, इस लेवल के अराउंड था स्टॉक 525 एंड अगर आप इस लेवल के आसपास से देखो 595 से तो स्टॉक अभी आपको जिस लेवल पर मिल रहा है वो 60% डिस्काउंट मिल रहा है, तो 60% स्टॉक आपका करेक्टेड हो चुका है कहीं ना कहीं। तो नो डाउट एंड डेट अभी बुलिश मोमेंटम के लिए बहुत समय है ऊपर की दिशा में जिस हिसाब से स्टॉक बढ़ रहा है। तो दो हर्डल मैंने बता दिए हैं आपको, ये जैसे ही क्रॉस होएंगे तो फिर आपके जो टारगेट रहेगा ये इधर तक का रहेगा 275 और उसके बाद आपका जो टारगेट रहेगा वो साइकोलॉजिकल लेवल रहेगा वो होगा 300 का। 300 में ये सोच लीजिए कि आपका जो लेवल रहेगा वो फिर इस ट्रेंड लाइन के पास रहेगा, ये बहुत पुरानी ट्रेंड लाइन आ रही है, यहाँ के लेवल पकड़ लेगा। ऊपर के लिए 3-4 लेवल मैंने बता दिए हैं, फिलहाल दो हर्डल वाले हैं एक 246 एंड 260, इसके बाद 275 रहेगा। फॉल करता है तो आपको ट्रेंड लाइन के साथ जाना है, ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो नीचे सपोर्ट लेगा यहाँ पे 220 का, ये ब्रेक होता है तब वीकनेस दिखाएगा स्टॉक और तब फिर आप नीचे स्टॉक को पकड़ेंगे तो फिर इस लेवल से नीचे आता हुआ दिखेगा आपको। तब की तब से लगी है, फिर वीडियो बना दूंगा, फिर भी नीचे का एक लेवल बता देता हूँ आपको, अगर फॉल ज़्यादा करता है कभी तो ये 200 के लेवल्स रहेगा। 200 भी एक साइकोलॉजिकल लेवल है, वो ब्रेक नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में, क्योंकि आप देखोगे इस लेवल पर बहुत अच्छे खासे बायर्स बैठे हुए होंगे तो 200 का लेवल भी ब्रेक नहीं करेगा। तो आपको समझ में आ गया स्टॉक का क्या होने वाला है, कहाँ जाने वाला है, उसी हिसाब से अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखिएगा। वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।